नगर पालिका के द्वारा हरदा शहर के बीच में स्थित अशोका होटल तोड़ने की कार्यवाही की। नगर पालिका ने बीते दिन बिल्डिंग को खतरनाक घोषित किया था। नगर पालिका ने हरदा शहर में स्थित अशोका होटल को तोड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरदा शहर में स्थित अशोका होटल काफी पुराना हो चुका था और बिल्डिंग भी जगह जगह से जर्जर हो चुकी थी। बिल्डिंग को 50 साल से ज्यादा हो चुके थे, जिसके कारण से किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं नगर पालिका ने बीते दिन नगर पालिका के द्वारा उस स्थान पर में संचालित दुकानदारों को नोटिस जारी कर 3 दिन में दुकान खाली करने के निर्देश दिए थे। नगर पालिका अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अशोका होटल का निर्माण 1971 में किया गया था। बिल्डिंग काफी पुरानी खतरनाक स्थिति में हो चुकी थी। वह नए निर्माण कार्य हेतु बिल्डिंग को तोड़ने का कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके बाद यह कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा व पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है कि अशोका होटल काफी जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो गया था। इसको EPWD से इसका मूल्यांकन कराया गया, उसके बाद ये इमारत जर्जर घोषित की गई। उसके बाद में कलेक्टर महोदय के यहाँ से आदेश इस बारे में हुआ कि इसको गिराया जाना लोकहित जनहित में आवश्यक है, तो संबंधित दुकानदारों को 30 तारीख को नोटिस जारी किया गया था कि 3 दिवस के अंदर वो इस दुकानों खाली कर दें, नगर पालिका उसको डिसमेंटल करने की कार्रवाई की करेगी। वही कार्रवाई चल रही है। सर आगे क्या प्लानिंग है नगर पालिका? आगे प्लानिंग यही है कि पहले डिसमेंटल करने के बाद में पूरी जमीन लेवल की जाएगी और इसके एक बेहतरीन यहाँ पे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके लिए हमारे यहाँ आर्किटेक्ट तय कर लिए गए हैं और वो लोग इसकी अच्छी DPR बनवाएंगे। इसमें नगर पालिका का उद्देश्य है कि अपना ये घंटाघर एरिए में सुलभ शौचालय नहीं है, इसमें एक मतलब व्यवस्थित तरीके से सुलभ शौचालय बनेगा सार्वजनिक सुविधा से युक्त, और इसके अलावा अंडरग्राउंड में पार्किंग भी की जाएगी क्योंकि यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग रहेगी और सारी सुविधाओं से लैस एक बढ़िया व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा। और जो लोग हमारे यहाँ पहले से लिए धारी हैं इस बिल्डिंग में अशोका होटल में, जिनको पहले लीज पे दुकानें दी गई थी, उन लोगों को जब वो बन जाएगी बिल्डिंग तब उनको उसमें दुकानें दी जाएंगी। और यदि अभी वो व्यवसाय करना चाहे, उनका व्यवसाय अव्यवस्थित ना हो और वो लोग परेशान ना हो, इसलिए अशोका होटल के सामने जहाँ पे रेलिंग वगैरह लगाई गई, कुछ पार्किंग टाइप की व्यवस्था की गई थी पहले, वहाँ पर उनको अस्थायी रूप से शेड बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। वहाँ पर वो लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।